केजरीवाल सरकार के आने के बाद राजधानी दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई को लेकर एलजी से विवाद काफी पुराना रहा है। चाहे वो नजीब जंग रहे हों या हाल ही में इस्तीफा देने वाले अनिल बैजल, इन दोनों ही एलजी के साथ केजरीवाल सरकार का विवाद आरोप प्रत्यारोप धरना प्रदर्शन से लेकर कोर्ट तक जा पहुंचा था। लेकिन अनिल बैजल के इस्तीफा देने के बाद एलजी की कमान संभालने आए विनय सक्सेना की जैसी ही लुटियंस दिल्ली में एंट्री हुई और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने नए एलजी का स्वागत किया, ऐसा लगा कि एलजी और केजरीवाल सरकार के रिश्तों की एक नई शुरुआत होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बीते एक हफ्ते के अंदर आम आदमी पार्टी दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलजी पर अधिकारों का हनन करने को लेकर निशाना साध चुकी है। पर इस सब के बीच शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल नए एलजी से मिलने पहुंच गए। मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने जो बड़ी बात कही वो सुनिए। हर शुक्रवार को किसी वक्त 4-4:30 के करीब हम दोनों मिला करेंगे और दिल्ली की जितनी भी समस्याएं हैं सारी समस्याओं पे मिलके विचार विमर्श किया करेंगे। तो आज भी रेंज ऑफ इश्यूज के ऊपर दिल्ली के जितने भी संबंधित हैं, पानी से रिलेटेड और भी साफ सफाई से रिलेटेड कई सारे मुद्दों के ऊपर बातचीत हुई है और बहुत अच्छी बातचीत हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय के अंदर हम लोग सब मिलके और दिल्ली को आगे। सर कोऑर्डिनेशन बन रहा है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। बीच में मीटिंग हुई थी सर, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम। यानी केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच लंबे समय से चली आ रही लड़ाई वाली परंपरा को खत्म करने के लिए अब हर शुक्रवार को एलजी और सीएम की मुलाकात होगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये हो पाएगा, क्योंकि जब से दिल्ली में नए एलजी विनय कुमार सक्सेना आए हैं तब से ही कभी जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ मीटिंग को लेकर तो कभी दौरे को लेकर आम आदमी पार्टी संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ने का आरोप लगाते हुए एलजी को बार बार उनके अधिकार क्षेत्र बता रही है। तो एलजी साहब, ऐसा लग रहा है कि आपको केंद्र सरकार ने ये इंस्ट्रक्शंस के साथ भेजा है कि पुलिस में दखलअंदाजी करना आपका काम नहीं है, कि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना आपका काम नहीं है, कि दिल्ली की महिलाओं को सुरक्षा देना आपका काम नहीं है। आपको शायद सिर्फ इन इंस्ट्रक्शंस के साथ भेजा गया है कि केजरीवाल सरकार के साथ दखलअंदाजी करना आपका काम है, क्योंकि पिछले 10 दिनों में सिर्फ यही एक काम आप करते हुए नजर आए। बता दें कि हाल ही में एलजी ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक की थी जिस पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब हर शुक्रवार को एलजी और सीएम केजरीवाल की मीटिंग होगी, जिससे एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच मधुर रिश्ते कायम हो सके। जानकारी के लिए आपको बता दें, चूंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए यहां सरकार को हर काम के लिए एलजी से परमिशन लेनी पड़ती है। बिना एलजी के रजामंदी के यहां काम नहीं हो पाते। यही वजह है कि पुराने एलजी के साथ केजरीवाल सरकार के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। हालांकि इस फैसले के बाद तो यही लगता है कि इस बार केजरीवाल सरकार एलजी के साथ मिलकर बिना किसी झगड़े के काम करना चाहती है। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,